सो गाइस, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल माधवीज वर्ल्ड। और यहाँ पे मैं आई हूँ ज्वेलरी शॉप, ये देखो। क्योंकि यहाँ पे मुझे कल मैं समापन करूँगी ना, मेरा नवरात्रि का कल लास्ट डे है, तो बच्चों को मैं भोज कराऊँगी, तो उनके लिए मुझे कुछ सामान लेना था और अपने लिए चूड़ी लेनी थी, तो ये सारी चीज़ें मुझे ख़रीदनी थी, तो इसीलिए हम आए थे मार्केट। और ये शॉप है जहाँ पे मैं मोस्टली कोई भी ओकेज़न होता है तो जो सामान होता है ना, चूड़ियाँ वगैरह जो भी रहती हैं लेडीज़ का सामान, वो सारा चीज़ मैं ख़रीदती हूँ। एक इनकी और शॉप है बस स्टैंड पे, मोस्टली ज़्यादा वहाँ मैं जाती हूँ, लेकिन अभी धूप बहुत ज़्यादा तेज़ था ना, तो हम लोग पास में है ये, तो हम लोग यहीं आ गए थे। और यहाँ पे फिर मैं चूड़ियाँ ले रही थी, और जब हम लोग आए ना तो वो शॉप बहुत ही खाली था, और आने के बाद फिर दो चार लोग और आए, तो ये देखो ग्रीन कलर की चूड़ियाँ मैंने ख़रीदी है, क्योंकि मैं कल ग्रीन वाली साड़ी पहनूंगी। एक्चुअली मैं साड़ी ग्रीन वाली आज पहनने वाली थी, मतलब एक घंटे तक हमने उसको पहनने का ट्राई किया, तनीषा ने काफ़ी ज़्यादा उसका प्लेट बनाने की कोशिश की, लेकिन यार 1-1.5 घंटे वेस्ट हो गए। फिर फाइनली मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, ये साड़ी मुझे आज नहीं पहननी है, मैं कल ही पहन लूँगी। न्यू साड़ी है गाइस, आप लोग ज़रूर देखना कल की वीडियो। तो यहाँ पे मैंने फ़ाइनल कर लिया है चूड़ी, और बाकी जो भी श्रृंगार का सामान है, माता रानी को चढ़ानी है, वो भी मैंने ले लिया है, और उसके बाद हम लोग पैक करा लेंगे और चलते हैं फिर मंदिर की ओर। चलो सो हाय गाइस, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल माधवीज वर्ल्ड। और बताइए कैसे हैं आप लोग, आई रियली होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज है सप्तमी और हम लोग जा रहे हैं मंदिर, तो आज मंदिर के दर्शन आप लोगों को मैं करवाऊंगी, क्योंकि आप लोग बोलते हो ना हमेशा कि कुछ नया वीडियो डालो, तो आज की वीडियो थोड़ी सी नई है और अच्छी लगेगी आप लोगों को। तो चलो आप लोग भी मेरे साथ माता रानी का दर्शन करने, और मेरे साथ जा रही है तनीषा। ये साड़ी मैंने पहनी हुई है, आप लोग देख लेना वीडियो, ओके। और एक और है जो शर्मा रही है, शर्मा की भाग रही है, तो चलो फिर चलते हैं मंदिर, ओके। चलो मास्क दे, कहाँ है आपका मास्क? मेरा मास्क दो भाई, इसमें है मेरा मास्क, इसको पकड़ो ना, एक मिनट में लगा रही हूँ। चलो सो डियर, हम लोग मंदिर के लिए निकल चुके हैं, और देखो कितनी ज़्यादा धूप है, और फास्ट रहो ना 9 दिन का, तो थोड़ी सी लगती है धूप में। तो यहाँ पे मंदिर पास में ही है, तो हम लोग जा रहे हैं पैदल पैदल, घर के पास में ही है, बहुत पास में है, और ये है मंदिर। और हम लोग भरी दोपहर में मंदिर आए हैं, इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा शांत और खाली लग रहा है, क्योंकि मुझे भीड़ भाड़ से सख्त नफरत तो नहीं बोलूँगी, मुझे भीड़ भाड़ बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए मैं भीड़ भाड़ वाली जगह पर ज़्यादा जाती नहीं हूँ, चाहे वो शादी हो, कोई फंक्शन हो, या कुछ हो, या कुछ हो, मतलब पता नहीं, मुझे भीड़ वाली जगह पसंद नहीं आती, मुझे शांत पीसफुल वाला इन्वायरमेंट ज़्यादा पसंद आता है। तो यहाँ पे हम लोग माता रानी के दरबार पे पहुँच चुके हैं, और मैं नारियल और अगरबत्ती लेके आई हूँ, और चढ़ाने के लिए आप बहुत सारी चीज़ें चढ़ा सकते हो, जो भी आपके मन में हो, जो भी आप देना चाहो, बट मैंने जनरली अगरबत्ती और नारियल ही लेके मतलब आई थी मैं। यहाँ पे मैं अब सर ढक ले रही हूँ, और अंदर में लाइटिंग प्रॉब्लम होगी गाइस, तो आप लोग इग्नोर करिएगा। और सर ढकने के बाद फिर मैं पूजा करूँगी माँ का, और मुझे ना पूजा ऐसे ही अकेले करना पसंद है, अकेले इन द सेंस 10-12 भीड़ है, या पूरा माता रानी का दरबार भरा है, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। मतलब मैं ये सोचती हूँ कि मैं, मेरी जो भी बात है, या मैं जो भी बात करूँ भगवान जी से, वो उस बीच या उस दरमियान वहाँ पे कोई ना हो, मतलब कि मेरा ये मानना है, या मैं अपने दिल की बातें एक हिसाब से आप लोगों से बोल रही हूँ, कि मैं चाहती हूँ कि जब मैं बात करती हूँ ना, तो माता रानी और मेरी बात हो, उस टाइम वहाँ पे कोई ना हो डिस्टर्ब करने के लिए। ये जो मैं बोल रही हूँ ना रियल, ये मेरी दिल की बात है जो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैं हमेशा, कुछ भी हो, मैं कभी भीड़ पे मंदिर नहीं जाती, क्योंकि हमेशा ये होता है ना कि पंचमी के दिन सारे लोग मंदिर जाते हैं, शाम को सारे लोग मंदिर जाते हैं, लेकिन मेरा जो सिस्टम है वो हमेशा उल्टा रहता है। मैं हमेशा तब मंदिर जाती हूँ जब मंदिर में सिर्फ माता रानी होती है, एक तो मैं होती हूँ, मतलब मैं ये सोचती हूँ कि दो लोगों के अलावा तीसरा कोई ना हो, मेरा ये सिद्धांत रहता है। उस टाइम ऐसा होता है कि आप जितनी चाहे दुआएं कर लो, जितनी चाहे भगवान से बातें कर लो, रोने का मन है रो लो, शिकायत करने का मन है कर लो,
जो करने का मन है कर लो, क्योंकि मैं ये करती हूँ इसीलिए ना मुझे भीड़ में बिल्कुल पसंद नहीं है। इसीलिए हम लोग दोपहर में आए थे यहाँ पे माता रानी के दरबार में। और मैं ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार आई हूँ, मैं सेकंड दिन और आई थी मॉर्निंग के टाइम। उस दिन भी बहुत शांति का माहौल था, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये सेकंड टाइम है नवरात्रि का, नवरात्रि चलते चलते ये सेकंड टाइम है, सप्तमी के दिन आई हूँ मैं। और यहाँ पे देखो जो चैनल गेट लगा है ना, उसके अंदर माता रानी है, तो उसके अंदर लेडीज़ को जाना अलाउ नहीं है। और मुझे नहीं पता था, पिछले साल मैं यहाँ पे घुस गई थी, क्योंकि मैं जब आई थी तो कोई नहीं था। अब जाहिर सी बात है, मैं जब आऊँगी तो कोई नहीं रहता है, क्योंकि मैं ऐसा सोच के आती हूँ, ऐसे टाइम पे आती हूँ। तो मैं क्या की थी कि मैं चैनल गेट जो है वो खुला था, मैं अंदर घुस गई थी, मैंने मस्त पूजा वूजा भी कर ली। पूजा करने के बाद फिर अचानक से पंडित जी टपक गए, और फिर उन्होंने मुझे बताया कि कैसे अंदर घुस गई हो। तो मैंने बोला कि ये खुला था तो मैं घुस गई। तो उन्होंने फिर बताया कि लेडीज़ अंदर नहीं घुसती हैं, लेडीज़ का यहाँ अंदर घुसना मना है, ये सही नहीं होता। तो फिर मुझे पता चला कि हाँ शायद सही होगा। तो फिर मैंने बिल्कुल कोशिश नहीं की इस साल घुसने की। जो भी बातें थी भगवान जी से, जो भी शिकायतें थी, जो भी गिला शिकवा था, वो सारा कुछ मैं यहाँ पे बोल रही थी भगवान से, दुआएं कर रही थी अपने लिए, अपनों के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए, और मोस्टली एनिमल्स के लिए, क्योंकि हम तो इंसान हैं ना, एक दूसरे के दुख को दर्द को समझ जाते हैं, अपनी ज़रूरतों को पूरा कर लेते हैं। लेकिन ऐसे एनिमल्स हैं जो जिनका सर्वाइव करना बहुत कठिन होता है। तो मुझे काफ़ी पसंद है, मैं जब भी दुआ करती हूँ तो मेरी दुआओं में एनिमल्स ज़रूर होते हैं। एनिमल्स कहना तो मुझे गलत लग रहा है, लेकिन मुझे बोलना पड़ रहा है ये चीज़। तो चलो अब चलते हैं अंदर की ओर, और देखो ये ज्योत यहाँ पर लगा हुआ है और कितना प्यारा लग रहा है ना। तो माता रानी से मेरी दुआ है कि हर किसी की लाइफ में ऐसी ही जगमगाहट हो, ऐसी ही रोशनी से हर किसी का जीवन चमके, हर किसी के जीवन में खुशियाँ आए। और बहुत प्यारा, क्या बताऊँ मैं, बहुत प्यारा दृश्य है ये जो हमेशा आंखों के सामने रहता है। ऐसा नहीं कि मंदिर आए हैं तो देखे हैं तो ही, ऐसा नहीं है। जब भी कभी भी नज़र के सामने आता है तो दिल को बहुत शांति मिलती है। और ये देखो मंदिर काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और सबसे अच्छी बात तो यही है कि बहुत ज़्यादा शांति था। लेकिन यहाँ भी ऐसा हुआ कि हम लोग आए तो एक दो लोग यहाँ भी आ गए, तो एक दो लड़के लोग मतलब आए थे हमारे आने के बाद, हमारी पूजा चल रही थी उतने टाइम। और यहाँ पे शूटिंग जो है वो तनिषा कर रही है, क्योंकि मंदिर तो हम लोग आए ही हैं, साथ ही साथ वीडियो भी बनाना था, तो दोनों काम हो गया। तो यहाँ पर मैं पूजा कर रही हूँ, और पूजा करने के बाद डियर मैं बाहर निकलूँगी और बाहर का भी मैं पूजा पाठ कर लूँगी, क्योंकि बाहर में भी मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, बजरंग बली का मंदिर है। और ये देखो ये बरगद का पेड़ है, बरगद का पेड़ जो है उसको तो काफ़ी ज़्यादा मान्यता है ना कि उनको पूजा जाता है। तो इनकी मैं पूजा कर रही थी, चक्कर यहाँ पे मैं लगाऊंगी, और उसके बाद फिर माता रानी का उधर और मंदिर है, उधर से होते हुए फिर मैं रिटर्न आऊंगी, उसके बाद फिर हम लोग घर चले जाएंगे। तो आप लोग वीडियो वॉच करिएगा, अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट करिएगा। और अभी अच्छी अच्छी व्लॉग या वीडियो आने वाली है, तो आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा, क्योंकि कल समापन है, तो कल समापन की वीडियो भी आएगी। आप लोग प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच किया करिए, सपोर्ट करिए, अच्छे अच्छे कमेंट करिए डियर। और जय माता दी, माता रानी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। तो चलो आप लोग वीडियो फुल वॉच करो, मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। सेम घाम में मरे पर काम टाइम जाना दीजिए का।
सो माई लवली यूट्यूब फैमिली, पूजा हो गई है संपन्न। चलो मिलती हूँ मैं किसी अच्छे से वीडियो व्लॉग के साथ, तब तक सब अपना ख्याल रखिए। लव यू गाइस, सी यू सून एंड हैप्पी नवरात्रि और जय माता दी। जोर से बोलो जय माता दी, प्यार से बोलो जय माता दी। चलो गाइस मिलती हूँ किसी अच्छे से वीडियो के साथ। बाय बाय गाइस, लव यू, सी यू सून, ओके।